पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शास्त्रम आरंभणीयम इति सिद्धांत भाष्य तात्पर्य। यहाँ तक हुआ था, आगे नहीं हुआ। यहाँ यस्मद अस्मदो से लेकर के वहाँ यहाँ तक पूरा आक्षेप और समाधान भाष्य। आक्षेप तो हो गया, तद्धर्मान्त अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ तो आक्षेप हुआ। सिद्धांत वहाँ से शुरू हुआ, तथापि अन्योन्यस्मृति से लेकर के या नैसर्गिक कोई लोक व्यवहार, ये अध्यास के बोल सिद्धांत भाष्य। इसका तात्पर्य कहा आगे भाष्य टीका में, एवं च सूत्रेण अर्थात सूचिते विषय प्रयोजने प्रतिपाद्य तदेतु अध्यास लक्षण संभावना प्रमाण ही साधयितु लक्षण पृच्छति। एवं इस प्रकार सूत्रेण अर्थात सूचिते विषय प्रयोजने, विशेष प्रयोजन च विषय प्रयोजने सूचिते द्विवचन अर्थात अर्थ से, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जो सूत्र है प्रथम सूत्र है, इस सूत्र में सूचित है ये विषय प्रयोजन। ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करने के लिए विधान के विचार कर्तव्य जिज्ञासा कर्तव्य, विचार करें तो ज्ञान होगा, ज्ञान के लिए विचार करेंगे ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान से बंधक की निवृत्ति तभी होगी यदि बंध अध्यस्त मिथ्या है। तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, अज्ञान का कार्य बंध हो तो बंध की निवृत्ति ज्ञान से संभव है, और तभी अध्यास के बिना ज्ञान से सत्य बंध की निवृत्ति नहीं होगी। जो ज्ञान के लिए विचार करने के लिए विधान करते हैं तो इसे सिद्ध होता है बंध अध्यस्त है, और अध्यास होने से जीव ब्रह्म की एकता ये भी संभव है। यदि अध्यास नहीं मानेंगे, जीव में संसार सुख दुख आदि साहंकार परिचिन्न तो है, ब्रह्म अपरिचिन्न है परोक्ष है, तो दोनों की एकता कैसे होगी। अध्यास होने से वह धर्म उपाधि के कारण ही सब भेद दिखता है, वस्तु तो एक है, तो अध्यास होने से ही एकता भी संभव है। तो अध्यास सिद्ध होने पर ग्रंथ का विषय जीव ब्रह्म की एकता ये भी संभव है, और प्रयोजन भी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति मोक्ष भी, तो विषय प्रयोजन दोनों सिद्ध होते हैं ये अध्यास होने पर। तो अर्थात सूचित विषय प्रयोजन इसका प्रतिपादन किया, विषय प्रयोजन प्रतिपाद्य तद हेतु अध्यास, विषय प्रयोजन का हेतु ही अध्यास, अध्यास हो तो विषय प्रयोजन होगा। तदेतुम अध्यासम साधयितुम,
अध्यास का बता दिया पहले, अध्यास नहीं होना चाहिए तो भी इस अध्यास होता है, तो उसमें अध्यास को सिद्ध करने के लिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि एक प्रसिद्ध है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि और अन्य प्रकार कहते हैं मानाधिनामेय सिद्धि, मान सिद्धि से लक्षणाद, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि, अप्रमाण की सिद्धि लक्षण के द्वारा, और लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु का लक्षण और प्रमाण, लक्षण भी बताओ और प्रमाण क्या है, प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं होगा, तो लक्षण और प्रमाण और बीच में एक संभावना, वो संभव कैसे है, प्रत्येक आत्मा में अनात्मा का अध्यास कैसे संभव है, असंभव ऐसा लगता है, प्रमाण कहने पर भी एक असंभावना रहने पर निश्चय नहीं होता है, इसलिए संभावना भी कहेंगे, लक्षण च संभावना च संभावना च प्रमाण च, इति लक्षण संभावना प्रमाणानि ते ही साधयितुम, किम साधयितुम, अध्यासम साधयितु, लक्षण के द्वारा लक्षण कथन करके संभावना और प्रमाण, ये कहेंगे लक्षण कहेंगे संभावना प्रमाण के द्वारा अध्यास को सिद्ध करने के लिए पहले लक्षण पृच्छति, पहले लक्षण के लिए प्रश्न करते, आह कोई हम अध्यासो नाम इति, ये प्रश्न हुआ, आह कहता है, आह आह क्या धातु है, ब्रू धातु का, किस लकार में आह बनेगा, लट में कैसे आह बनेगा, भूव पंचाना आदित्य आह ब्रू आदि पांच नल अतुष थल अतुष पंचानाम तिपतस जी शिवथस, इनको नल अतुसुर थल अतुष इतना आदेश होता है, और ब्रू का आह आह आदेश होता है, आह आह तु आहु आथ आह तु, हाँ आगे तो बनेगा ब्रू ब्रवीत ब्रूथ ब्रुवंती ब्रविशी ब्रूथ 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 बनेगा आगे तो है, किंतु ये एक रूप बनेगा विकल्प से, तो कहता है कोई कहता है, कौन कहता है, आह कहते, तो दिया कि लक्षण को अध्यासी त्या कोई हम अध्यास मतलब ये क्या है, किम लक्षण में से अध्यास का लक्षण क्या है, किम लक्षण को अध्यास इति आह 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 का कर्ता पूर्ववादी, पूर्ववादी इति अर्थ पूर्व बदति थी पूर्ववादी, उसका पूर्व पहले शंका करता है फिर सिद्धांत उत्तर देता है। ये जो शास्त्र चल है, शास्त्र है, इसको कहते वाद कथा, कथा तीन प्रकार होती है, वाद जल्प वितंडा, वाद कथा, वाद कहते विवाद झगड़ा नहीं, तत्वभूत्स कथा को वाद कहते, तत्वभूत्स तत्व को जानने की इच्छा से जो जानना चाहते हो तत्वभूत्स तत्व जिज्ञासु, उसके जो कथा प्रश्न उत्तर गुरु शिष्य संवाद को बाद कथा कहते हैं, शिष्यों के आपस परस्पर विचार करना वो भी बाद कथा है, क्या उद्देश्य है, तत्व निर्णय करना, तत्वभूत कथा, जानते फिर भी थोड़ा संशय होता है, परस्पर विचार करने से दृढ़ होता है, ये होता है बाद कथा। बाद कथा में उद्देश्य नहीं रहता कि दूसरे को परास्त कर देंगे, दूसरे को थोड़ा दबा देंगे, ये नहीं रहता उद्देश्य, प्रश्न उत्तर होता है, प्रश्न उत्तर होता है तत्व को जानने के लिए दृढ़ निश्चय करने के लिए कथा है बाद। और जल्प कथा दूसरा, वहाँ अपने स्वपक्ष स्थापन पूर्वक परपक्ष निराकरण करना, बीजिज्ञासु कथा, जीतने की इच्छा, दूसरे को परास्त करें अपने जीत जाएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे दूसरे को परास्त कर दिया जीत गया, बीजिज्ञासु कथा, बीजिज्ञासु जय तुम इच्छु, जय करना जो चाहता है उसकी कथा कहते जल्प, कोई कुछ कहते कुछ कहता है इसे कहकर उसको खंडन करके उसका निराकरण करना, तो ये जीत जाएगा उसको परास्त करेगा। उसमें कुछ नियम है कथा करने के लिए, शास्त्र में न्याय में सब नियम बताते, भाई से निग्रहता नहीं परास्त हो जाएगा। जल्प कथा में जल्प कई कोई यदि कहा, एक ही व्यक्ति आया नया कंबल उठ करके, नव कंबल, नव नवम कम्बलम यस्य स नवकम्बल का नवकम्बलोयम
ये नया कंबल वाला दूसरे उसको कहेगा एक कंबल यम कथम नव कंबल नव कंबलानी यस्य स नव कंबल जिसके पास नव कंबल है उसको नव कंबल कहा जाएगा। तो आपने कहा नव कंबल नव कहाँ है तो एक कंबल है लोक में इसे कहते कौन से तो बोल होते ऐसे हल देते तो उसको बेइज्जत करना चाहते क्योंकि शास्त्र में इसे कहने पर प्राप्त हो जाएगा जो कहेगा एक कंबल हो नव कंबल कथम वो प्राप्त हो जाएगा उछल करता है क्योंकि ये किस अभिप्राय से कहा उसको नहीं समझ करके आप दोष देते हो उसके अभिप्राय समझ करके दोष देना पड़ेगा। ये शब्द को लेकर के ये यदि कहे गए तो प्राप्त हो चल कहता है कि वो तो नव नूतन कंबल वाला के लिए नव नव शब्द प्रयोग किया न संख्या के लिए नहीं उसको जो उद्देश्य है जो कहना चाहता है तात्पर्य उसको ले करके फिर कहो दोस्तों उसको अन्यथा अगर कहेंगे तो ये कहने वाला इसको कहेगा मैं तो नव नूतन के लिए कहा था आपने नव संख्या कह कर किसे दोष दिया ऐसा कहेगा तो ये दोष देने वाला प्राप्त हो जाएगा। ऐसे शब्द प्रयोग करने में कहीं कुछ थोड़ा पहले एक प्रकार कहा था फिर थोड़ा उसको नहीं ऐसा अनित्य नहीं नित्य कहेंगे वो कहेंगे तो प्रतिज्ञा कोई प्रतिज्ञा की थी उसके ऊपर अलग कर दिया प्रतिज्ञा छोड़ दिया प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञा संन्यास ऐसे बहुत प्रकार दोष है जल्प कथा में नियम जान करके दूसरे को परास्त करने के लिए कथा जो मुमुक्षु है वो बाद कथा करने के लिए उनको कहा गया जल्प कथा नहीं दूसरे को परास्त करना दबाना ये कोई उद्देश्य नहीं। और एक जल्प से और थोड़ा अधिक है वितंडा जल्प में तो अपना पक्ष रख करके दूसरे पक्ष का खंडन करना जैसे न्याय के लोग शब्दों को अनित्य मानते हैं अनित्य रख करके नित्य माने वाले मीमांसक व्याकरण शब्द को नित्य मानते उसका खंडन करेंगे वो नित्य मानेंगे अनित्य खंडन करेंगे ये जल्प कथा में। और वितंडा कथा में अपना पक्ष कुछ नहीं स्वपक्ष स्थापना ही न परपक्ष कथा पर को निषेध करना जो कहता उसको निषेध करना वितंडा कथा वाद जल्प वितंडा मुमुक्षु साधक के लिए केवल बाद कहते जल पर वितंडा करने नहीं। बहुत बड़े विद्वान थे वाराणसी में जिनसे मैं न्याय पढ़ा था तो बहुत बड़े विद्वान कभी उनके गुरु जी का कथा नहीं कभी शास्त्रार्थ नहीं करना वहाँ विद्वान में परस्पर शास्त्रार्थ करते वहाँ कोई ज़्यादा परास्त करना ये नहीं फिर भी शास्त्रार्थ थोड़ा करते विद्वान ऐसे होता है किंतु उनका नियम है शास्त्रार्थ नहीं करते तो बैठे रहेंगे कभी कुछ पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं तो कोई शास्त्रार्थ नहीं करना है नियम वाक्य गुरु के गुरु वाक्य है तो बिल्कुल नहीं करेंगे अभी नहीं करते थे बहुत जानते हैं सम्मान के साथ सब लोग बुलाते तो बैठेंगे तो बात कथा तो साथ आपस में विचार करने पर करना चाहिए बात कथा करना चाहिए तत्वभूष कथा है जो शास्त्र ही भी बात कथा है अस्य शास्त्र से बात कथा तो द्योतनार्थं द्योतनार्थ आह इति परोक्ति बीच में बाद कथा क्यों हुआ तत्व निर्णय प्रधानत्वेन तत्व निर्णय प्रधानम यस्मिन शास्त्रे तत्शास्त्रम तत्व निर्णय प्रधानम इसमें प्रधान है तत्व निर्णय प्रश्न उत्तर शंका समाधान होता है किंतु उद्देश्य क्या है तत्व का निर्णय निश्चय होगा ये प्रधान है इसके लिए प्रश्न उत्तर होता है प्रश्नोत्तर का और कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए क्या होगा तत्व निर्णय प्रधान होने से शास्त्र क्या है बाद कथा बाद कथा तो द्योतनार्थ उसको प्रकट करने के लिए आह इति परोक्ति परस्युति आह पर आह दूसरे कहता है आकन से कहता है अर्थात जो शास्त्र विचार करते वहाँ कोई बैठ कर शिष्य पूछता है कोई मध्यासन प्रश्न करता है अन्य को प्रश्न पूछता है बाद कथा में आह इति परोक्ति आह इत्यादि से लेकर के आगे ये हाँ उसमें इसमें तो सौर पृष्ठा में आगे आएगा कथम पुनः प्रत्येगात्मन्य विषय अध्यास विषय तत्धर्मानाम यहाँ से शुरू होगा। पहले एकश्चंद्र सद्वितीयवत शुक्ति का ही रजतव दौभाषते एकश्चंद्र सद्वितीयवत इति यहाँ तक लक्षणवाच्य है
लक्षण संभावना प्रमाण तीन भाग ये भाष्य में पर लक्षण कहेंगे वहाँ से लेकर के ज़्यादा नहीं है किंतु वहाँ तक तथा चलो के अनुभव शुक्ति का ही रजतवत भाषते एकश्चंद्र सद्वितीय वतीत यहाँ तक लक्षण यहाँ आगे कथम पुनः प्रत्येक आत्मन विषय वहाँ से शुरू हो जाएगा लक्षण का संभावना संभावना जाएगा हमारा थोड़ा दिए आगे प्रमाण हाँ अध्यास मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोतृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष नहीं यहाँ तो हो गया लक्षण क्या यहाँ लक्षण हो गया लक्षण ठीक है यहाँ लक्षण के आगे यहाँ तक संभावना उसके आगे प्रमाण नहीं सर्वलोक प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ 20 पृष्ठ में हाँ संभावना ये थोड़े से 19 में संभावना पूरा हुआ तत्रैव सति यत्र यदध्यास तत्कृतेन दोषेण गुणेन व अनुमात्रेणापि स न संबध्यते यहाँ तक संभावना ये लक्षण के बाद कथम पुनः प्रत्यगात्मन से लेकर के दोषेण गुणेन गुणेन व अनुमात्रेणापि न स न संबध्यते यहाँ तक संभावना इसके आगे तमेतम अविद्याख्यम यहाँ से लेकर के वो प्रमाण है हाँ सर्वलोक प्रत्यक्ष का प्रमाण है इसको टीका में बता दिया कथम पुनः प्रत्यगात्मन इत्यतः प्राग अध्यास लक्षण पर भाष्यम लक्षण पर का भाष्य है तदारभ्य कथम पुनः प्रत्यगात्मन से लेकर के आगे संभावना पर का भाष्य है तमेतम अविद्याख्यम जो उसके पहले तक आगे तमेतम अविद्याख्यम इति आरभ्य सर्वलोक प्रत्यक्ष इत्यंतम प्रमाण परम भाष्यम इति विभाग तीन विभाग हो गया लक्षण संभावना प्रमाण पहले लक्षण करेंगे कहेंगे फिर संभावना विचार करेंगे आगे प्रमाण पहले प्रश्न हुआ लक्षण कोई अध्यास नाम ही थी क्या नहीं मिला है प्रमाण भाष्य सर्वलोक प्रत्यक्ष तो प्रमाण भाष्य लक्षण हो गया एक चंद्र सद्वितीय वद्वितीय लक्षण कथम पुनः प्रत्यय आत्मनि से लेकर के तत्रैव सति यत्र अध्यास तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अनुमात्रेणापि न संबोधयति यहाँ तक संभावना पूरी होगी बाकी वहाँ से प्रमाण शुरू हुआ प्रमाण चलेगा एवं अयम अनादि अनंतो नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक अंत में थोड़ी दो तीन पंक्ति छोड़ करके सूत्र आने के पहले दो तीन छोड़ करके अगस्यान अर्थ आएगा सर्वलोक प्रत्यक्ष तक प्रमाण है आगे चलेगा आगे सूत्र के दो भाग पंक्ति आगे सूत्र आने के दो पंक्ति पहले कर्तृत्व होतृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक प्रमाण है दे दिया यहाँ सर्वलोक प्रत्यक्ष अंतम प्रमाण परम लक्षण माह प्रश्न तो हो गया कोई मध्यास नाम थी आगे उच्चते कहकर लक्षण कहते उच्चते स्मृति रूप ये लक्षण है स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्टाभास ये लक्षण है इस अध्यास स्मृति रूप स्मृति रूपमिव रूपमस्य स्मृति के सदृश परत्र पूर्वदृष्ट से अभास परत्र अन्यत्र पूर्वदृष्ट वस्तु न अवभास परत्र कण से जो अधिकरण नहीं है अनधिकरण वहाँ पूर्वदृष्ट का अवभास जो न जहाँ नहीं है वहाँ दिखना पूर्वदृष्ट सदृश पदार्थों को दिखना ये अवभास है ये अध्यास है अभी अर्थ उसका बताते हैं अध्यास इति अनुसंग स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्ट अवभास अध्यास कोई अध्यास प्रश्न हुआ अध्यास क्या है परत्र पूर्वदृष्ट स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्टाभासो
अध्यास ये वाक्य पूरा होगा, अध्यास उस साथ मिलाना। अध्यास इति अनुसंग उसके साथ, कोई अध्यास में अध्यास पद आया उस अध्यास पद का यह अनुसंग हो जाएगा। इसमें जो दिया स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्ट आभास, इसमें इतने ही लक्षण है, परत्र आभास इतव लक्षण परत्र आभास। और जो स्मृति रूप है पूर्वदृष्ट दिया है, ये दोनों है उसका प्रतिपादन करने के लिए। आगे दिया सिष्टम पदद्वयम तद उपादनार्थम, परत्र अभास इसका उपादन प्रतिपादन करने के लिए स्मृति रूप पुरदृष्ट ये दो पद दिया है। अध्यास कहते लक्षण पर्याप्त है, क्या लक्षण परत्र अभास तथा ही अवभास क्या है, अवभाष्यति अवभास हो भाष्य धातु से कर्मणि ग्रहण करेंगे, अवभाष्यते दृश्यते प्रकाशति अवभाष्यति अवभास, अभास क्या है रजतादि अर्थ, रजतादि अवभाष्यते यहाँ रजत, रजत कौन से अर्थाध्यास होगा या ज्ञानाध्यास होगा, अर्थाध्यास रजत अर्थ अवभाष्यति दिखता है अध्यास रजतम। और परत्र कहने का क्या है, जहाँ उसका अधिकरण योग्य अधिकरण उसको छोड़ना, अन्यथा अयोग्य अधिकरण में परत्र जहाँ है वो तो वहाँ है, परत्र का तो अयोग्य अधिकरण में दिया आगे। तस्य अयोग्यम अधिकरणम परत्र पदार्थ, तस्य रजतस्य अयोग्यम अधिकरणम परत्र का था अयोग्यम अधिकरणम, जो अधिकरण उसका योग्य नहीं तभी तो मिथ्या है, अयोग्यम अधिकरणम परत्र परत्र अवभास रजत परत्र अन्य अधिकरण में रजत जो दिखता है वही अध्यास है। अधिकरण अयोग्यम अधिकरणम, अधिकरण में क्या विशेषण अयोग्यत्वम, अयोग्यम अधिकरण के तो अयोग्यत्वम, अधिकरण से अयोग्यत्वम, अधिकरण में अयोग्यत्व क्या है, योग्यता है तो योग्यता है अयोग्यता अयोग्यत्वम, अधिकरण में अयोग्यता। अभाव का जो अधिकरण होता है न्याय के लोक के अनुसार भूतल में घटाभाव है, भूतल है धर्मी उसे घटाभाव धर्म है, भूतल में घटाभाव रहता है। मीमांसा में कहते हैं अभाव अधिकरण रूप है, अधिकरण से अलग कोई अभाव नहीं, घटाभावत भूतलम न्याय मत में भूतलम घटाभावत, भूतल में घटाभाव है। अरे मीमांसा लोग कहेंगे भूतल को जब देखते हैं कि जहाँ घट नहीं है घट अभाव है क्या दिखता है, भूतल ही दिखता है, तो अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं, अधिकरण से अलग नहीं, अभाव अधिकरण से अलग नहीं। इसको लेकर के अधिकरण से अयोग्यतम, अयोग्य क्या थे अधिकरण अयोग्य मतलब आरोप्य उसमें नहीं है, जो आरोप्य रजत वह नहीं है, रजत का अभाव है तो अधिकरण अयोग्य, रजत जहाँ नहीं है वहाँ रजत दिखता है तो अध्यास मिथ्या। अधिकरण में अयोग्यता क्या है, रजत का अभाव ये दे दिया, रजत आरोप्य अधिकरण से अयोग्यता किम आरोप्य अत्यंताभावत्वम, आरोप्य अत्यंताभावत्वम, आरोप्य का अत्यंताभाव जहाँ रहेगा वो अधिकरण होगा। प्रभाव अधिकरण रूप मानेंगे तो क्या होगा, जो अधिकरण है वारप्य का अत्यंत अभाव रूप हो गया, अधिकरण अभाव रूप है तो अधिकरण क्या होगा आरोप्य का अत्यंत अभाव, जो अधिकरण से अलग नहीं मानेंगे भाव को आरोप्य का अत्यंत अभाव और अधिकरण दोनों में क्या भेद है, एक हुआ तो अत्यंताभाव का जो अधिकरण उसको कहें आरोप्य अत्यंताभाव, क्योंकि अधिकरण अभाव एक है इसलिए आरोप्य अभाव अत्यंताभाव ये हो गया अधिकरण, उसमें रहेगा धर्म
अयोग्य हो गया, धर्म क्या रहेगा? आरोप अत्यंताभावत्वम, अत्यंताभाव में अत्यंताभावत्वम, ये अयोग्यत्वम। अधिकरण में अयोग्यता क्या है? आरोप्य अत्यंताभावत्वम, अयोग्य हो गया आरोप्य अत्यंताभाव। कौन है? अत्यंताभाव। अत्यंताभाव से अधिकरण से अत्यंताभाव अलग नहीं है। उसके मत के अनुसार अधिकरण में अयोग्य तो क्या है? आरोप्य अत्यंताभावत्वम, ये हो गया। अधिकरण से अभाव को अलग नहीं माने पर, अधिकरण से अभाव मानेंगे तो क्या होगा? अधिकरण में अभाव रहेगा, आरोप्य का अत्यंताभाव अधिकरण में रहेगा। आरोप्य अत्यंताभाव वाला हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण हो जाएगा आरोप्य अत्यंताभाव वत वाला, आरोप्य अत्यंताभाव वाला। संस्कृत में क्या कहेंगे? आरोप्य अत्यंताभाव वत वाला, श्रीमत धनवत बुद्धिमत, आरोप्य अत्यंताभाव वत मत प्रत्यय हो गया। आरोप्य अत्यंताभाव वाला कौन है? अधिकरण। न्यायमति के अनुसार अधिकरण में अत्यंताभाव रहेगा धर्म, तो अधिकरण हो जाएगा अत्यंताभाव वाला, अत्यंताभावत। अत्यंताभावत में क्या धर्म रहेगा? अत्यंताभावत्व। देखो दिया आरोप्य अत्यंताभाव तदवत्व वा तदवत्व, तत्पश्य आरोप्य अत्यंताभाव के लिए तत्पश्य क्या लेंगे? आरोप्य अत्यंताभाव आगे वत्व तदवत्व, अर्थात आरोप्य अत्यंताभाव वत्व। यही एक ही है आरोप्य अत्यंताभावत्व। ये जो कहा गया किस मत के अनुसार? जो अभाव को अधिकरण से अलग मानते हैं न्यायमति के अनुसार, अभाव को अधिकरण से अलग मानते तो तद्वत्वम। और आरोप्य अत्यंताभावत्व जो कहा गया मीमांसा मत के अनुसार, जो अत्यंताभाव को अधिकरण रूप मानते हैं उसके अनुसार शब्द प्रयोग किया गया। ये समझ लेना रजत हाँ दिखता है जहाँ रजत नहीं है, रजत की अत्यंत रजत का अत्यंताभाव है, रजत का अत्यंताभाव जहाँ है वहाँ रजत दिखता है तो मिथ्या है। जहाँ घट है वहाँ आपको घटाभाव ज्ञान हुआ तो घट मिथ्या हो जाएगा हैं? घट वहाँ है आपको घटाभाव ज्ञान होता ब्रह्म ज्ञान हो गया, घट मिथ्या क्यों होगा? न मिथ्या हो जाएगा तो आगे बहेंगे मिथ्या कैसे होगा बताएंगे। आरोप्य अत्यंताभावत्व अधिकरण में जहाँ रजत नहीं रहता है वहाँ रजत ज्ञान हुआ तो रजत मिथ्या है, जहाँ रजत नहीं है वहाँ रजत ज्ञान हुआ। यहाँ यदि घट का ज्ञान आपको होगा, यहाँ घट नहीं है घट अभाव तो भूतल ज्ञान हुआ, यथात ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, क्या आरोप हुआ? घट का घट अभावती घट क्या आरोप हुआ तो घट है मिथ्या, घट ही नहीं ये कह ये मिथ्या नहीं आरोप, अभी मिथ्या विचार नहीं करना आरोप। घट अभाव में घट का जो ज्ञान हुआ घट का आरोप हुआ, घट है ही नहीं घट ज्ञान हुआ तो घट का आरोप हुआ, तो आरोप है यहाँ। रजत जहाँ नहीं वहाँ रजत ज्ञान हुआ वहाँ रजत का आरोप हुआ, जिसमें कोई दोष नहीं उसमें दोष दे देना क्या कहते दोषारोप किया, दोष का आरोप नहीं है वहाँ करना आरोप, घट नहीं है घट कहना तो आरोप है। तो आरोप्य जिसके आरोपी कहा जाता है उसको क्या कहेंगे? आरोप्य, आरोप्यम रजतम, रजत जहाँ नहीं है वहाँ रजत ज्ञान हुआ तो रजत हो गया आरोप्य। तथा च अभी मिथ्या अभी अध्यस्त क्या है देखें देख बताएंगे। एकावच्छेदन स्वसंसृज्य माने स्व अत्यंत अभावती अभाष्यतम अध्यस्तत्व इत्यर्थ। देखो खाली मैं जितने बोलता हूँ इतने देखो डरना नहीं। स्व अत्यंत अभावती क्या? स्व अत्यंत अभावती, जैसे रजत को स्वपत्र ले लो, स्व अत्यंताभावती रजत अत्यंताभावती, सुक्ति में रजत है ना, रजत का अभाव है, रजत अत्यंताभावती सुक्त्यादु, रजत अभावती सुक्त्यादु, रजत जहाँ है ही नहीं वहाँ अवभाष्यतम अवभाष्यते रजतम, वह रजत आरोप होता। सुक्तो इदम रजत इति ज्ञान हुआ, किसका आरोप हुआ?
जहाँ आरोप सुते में वहाँ रजते है अत्यंत अभावे सो अत्यंत अभावती श्रुति सकले श्रुति टुकड़ा खंड में श्रुति खंड में वहाँ अभाष्यति थे अभाष किम अभाष्यते रजत देखो यहाँ इतने देखो स्व अत्यंत अभावती अभाष्यत्वम अभाष्य कौन हुआ रजत अभाष्य तो रजत में आएगा वो रजत में अध्यस्तत्व रजत में अध्यस्तत्व अध्यास है रजत अध्यास अध्यस्य तिथि अध्यास इसमें अध्यस्त अध्यस्तत्व आरोपित है स्व अत्यंत अभावती अभाष्यत्व अध्यस्तत्व इत्यर्थ हुआ। और देख स्व अत्यंत अभावी अभावती स अभाष्यत्म अध्यस्तत्व अत्यंत अभाव में दिखता है तो अध्यस्त हुआ। आगे भूतल में घट था घट को ले गया पहले घट ज्ञान हुआ था पहले भूतल में घट नहीं था अत्यंत अभाव था घट को लाकर रख दिया। जहाँ भूतल में घट नहीं था वहाँ लेकर के घट को रख दिया स्व अत्यंत अभावती अभी घट दिखाया ना नहीं स्व अत्यंत अभावती भूतल में घट नहीं दिखेगा ये आरोप अध्यस्त होगा। इसलिए कहते जिस समय अत्यंत अभाव उसी समय दिखेगा तो होना चाहिए एक काल में। इसलिए देते हैं स्व संसृज्य माने स्व संसृज्य माने स्व संपद हो रजत वहाँ आरोपित रजत दिखता है स्व अत्यंत अभावती अभाष्यत्व जैसे ये पट रजत वहाँ संसृष्ट है सुक्ति में वास्तव तो है नहीं किंतु तादात्म्य अध्यात्त है रजत संसृष्ट है संबद्ध है सुक्ति में श्रुति रजत का तादात्म्य दिखता है इदम रजतम स्व संसृज्य माने जहाँ वो दिखता है वहाँ रजत नहीं है दिखता है तो मिथ्या है। एक वृक्ष में बंदर बैठा है कपि कपि का संयोग है वृक्ष के साथ शाखा में कपि संयोग है मूल में अभाव है तो स्व अत्यंत अभावती कपि संयोग अभावती स्व संसृज्य माने कपि संयोग वहाँ है और कपिश अभावती मूल में वो कपिश दिखता है अभाष्यत कपिश दिखता है तो कपिश मिथ्या है यहाँ मूल में नहीं शाखा में है कपिश मिथ्या मिथ्या क्यों नहीं हुआ स्व अत्यंत अभावती कपिशों का अत्यंत अभाव वृक्ष में है या नहीं स्व अत्यंत अभावती अभाष्यत कपिश और स्व संसृज्य माने भी अपना संबंध हुआ है कपि संयोग भी है वहाँ कपि संयोग अभाव भी दिखता है तो कपि संयोग मिथ्या होना चाहिए। इसलिए दे दिया देखो कपि संयोग कहाँ है शाखा में मूल में तो शाखा अवच्छेद न वृक्ष में कपि संयोग है शाखा अवच्छेद न शाखा में कपि संयोग मूल में अभाव ये दो अवच्छेदक हो गया अवच्छेद शाखा अवच्छेद न कपि संयोग मूला अवच्छेद न अभाव दो अलग अलग अवच्छेद हुआ। नया के लोग मानते हैं वृक्ष तो अवय भी है अपने अवयव में रहेगा अवयव उसका आश्रय कोई भी द्रव्य रहेगा अपने अवय में पुस्तक तो अवयव या अवयव पट समवाय समस्या रहता है कहाँ तंतु में अवय में रहता है तो वृक्ष अपने अवय में रहता है जो अवय उसका अधिकरण होता है वृक्ष का अधिकरण जो अधिकरण होता है वो वृक्षपति धर्म का आवश्यक हो जाता है। वृक्षपति धर्म कपिसंयोग वृक्ष में कपिसंयोग है कपिसंयोग अभाव है उसका आवश्यक हो जाएगा वृक्ष का अवयव वृक्ष का अवयव शाखा शाखा एक आवश्यक है वृक्षवृत्ति कपिसंयोग का अरे मूल है अवच्छेदक वृक्षवृत्ति कपिसंयोग अभाव का स्वप से
वृक्ष का अधिक अधिकरण, वृक्ष का अधिकरण स्वाधिकरण स्ववृत्ति, वृक्षवृत्ति धर्म का आवश्यक होता है। वृक्ष है उसका अधिकरण हो गया शाखा और मूल, अधिकरण उसका अवयव। वृक्ष में कपिसय, कपिसय अभाव है तो कपिसय का आवश्यक हो जाएगा शाखा, और कपिसय अभाव का आवश्यक हो जाएगा मूल। दो आवश्यक भिन्न भिन्न हो गया। अभी कपिसय का कपिसय अभाव दोनों वृक्ष में या नहीं है? एकावच्छेदन है? एकावच्छेदन होगा तो मिथ्या होगा, ये तो अवच्छेद भेद हो गया, भेद हो गया। इसलिए वहाँ अतिव्याति वारण करने के लिए एकावच्छेदन दिया। देखो दिया लिखा है, एकावच्छेदन स्वसंसृज्यमाने स्वात्यंत स्वप से कपिसय ले लो, कपिसय संसृज्यमाने वृक्ष स्वात्यंता भावती, कपिसय भावती अभाष्य तो कपिसय दिखता है किंतु एकावच्छेदन नहीं है, इसलिए मिथ्या नहीं है। ये लक्षण दिया, आगे दे दे। ये जो अध्यास का लक्षण किया, इदंच सादि अनादि अध्यास साधारण लक्षण, कुछ अनादि अध्यास अविद्या अध्यास और ये अन्य अध्यास है, श्रुति रजितादि अध्यास सादि अध्यास है, ये दोनों में सादि अनादि दोनों अध्यास का साधारण लक्षण है। अभी एकावच्छेदन क्यों दिया? संयोगे अतिव्याप्ति निराशाय, आगे एकावच्छेदन इति, नहीं तो संयोग में अतिव्याप्ति, क्योंकि संयोग का संयोग जहाँ रहेगा वहाँ संयोग का अभाव भी रहता है। ये पुस्तक में हत्या का संयोग है और संयोग का अभाव है, यहाँ अभाव है। संयोग जहाँ रहता है संयोग का अभाव रहता है, तो संयोग में जहाँ स्वसंसृज्य माने स्व अत्यंत अभावती, संयोग अभाव वाला में यदि स्व दिखता है मिथ्या अध्यस्त हो जाएगा, क्या नहीं होता है अवच्छेद का भिन्न हुआ। वृक्ष में स्वात्यंत अभावती वृक्ष अत्यंत अभाव वाला है, कपिसय अभाव वाला, कपिसय का संबंध है, वहाँ कपिसय दिखता है तो अध्यस्त है नहीं, कपिसय अभाव ही कपिसय ही तो अध्यस्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ भिन्न भिन्न अवच्छेदन है, एक अवच्छेदन कपिसय का, अन्य मूल अवच्छेदन कपिसय अभाव, इसलिए मिथ्या नहीं। जहाँ एक अवच्छेदन जहाँ अभाव है वहीं यदि दिखे तो मिथ्या अध्यस्त होगा, ऐसा एक अवच्छेदन छोड़ देंगे तो लक्षण में क्या होगा? खाली अतिवाद नहीं, संयोग में संयोग अतिव्याप्ति निराशा एकावच्छेदन कैसे होता आगे बताते। संयोगस्य स्वसंसृज्य माने वृक्षे संसृज्य संसर्ग संबंध संसृज्य माने वृक्षे, संयोग संसृज्य माने वृक्षे, संयोग का संबंध वृक्ष में है और संयोग का अत्यंत अभाव है, स्व अत्यंत अभावती वृक्ष में संयोग का संबंध है या संयोग का अत्यंत अभाव है? दोनों। संसृज्य माने वृक्षे स्व अत्यंत अभावती अभावती अभाष्यत्व भी संयोग अभाष्यत्व में अभाष्यत्व संयोग वृक्ष में कभी संयोग दिखेगा होने पर भी वो मिथ्या नहीं, क्यों? दोनों का अभाव और कभी संयोग संयोग दोनों का आवश्यक भिन्न है। स्व स्व अत्यंत अभाव और स्व और स्व अत्यंत अभाव, एक स्व एक स्व अत्यंत अभाव, स्व से ले लिया संयोग और स्वतंत्र भाव से संयोग भाव कितना हो गए? दो। दो का आवश्यक एक क्या भिन्न है? स्व का आवश्यक क्या होगा? शाखा। और स्वतंत्र भाव का आवश्यक देखो स्व स्वतंत्र भाव और स्व से किसको लिया? संयोग। मूलाग्रावच्छेदक भेदात मूलम च अग्रम च, मूल अग्र रूप अवच्छेदक वेदात, मूल है अवच्छेदक किसका? कपिसय का, और कपिसय अभाव का अवच्छेदक नहीं कपि मूल है अवच्छेदक कपिसय अभाव का, और शाखा है अवच्छेदक कपिसय का संयोग का, और संयोग कभी कभी मूल में बैठ गया तो अवच्छेद हो जाएगा, अभी शाखा में बैठा है मूल में नहीं, कि उसके ऊपर विचार चल रहा है ना ऊपर चला गया तो किस कि शाखा किसका अवश्य देगा?
संयोग का। अरे मूल किसका आवश्यक है? अभी दोनों का अधिकरण क्या है? वृक्ष कपिश्रम दोनों का अधिकरण वृक्ष है। अवच्छेद के भेद न वृक्ष हुआ। अभी एक अवच्छेद न स्वत्यंत अभाव ससंसर्ज संसर्ग दोनों है, एक अवच्छेद नहीं, बिना अवच्छेद हो गया, इसलिए कपिश्रम का दिखने पर भी अध्यस्त नहीं है। स्वात्यंत अभाव मूलाग्र अवच्छेद के भेदात भेदात क्या हुआ? न अतिव्याप्ति कुत्र संयोग अतिव्याप्ति नहीं। पूर्वम स्वाभावति भूतले, पहले भूतल में अभाव था। पूर्वम स्वाभावति भूतले, अभी ये घट का अभाव है। पूर्वम स्वाभावति भूतले पश्चात आने तो घटो दिखेगा, घटो भाति भाति इति। अभी क्या हुआ? स्वत्यंत अभावति भूतले स्वसंसृज्य माने अभाष्यत्वम घट में, घट से अभाष्यत्वम, तो घट में अध्यस्तत्व का लक्षण चला गया। मित्र अध्यस्तत्व स्वतंत्र अभावती, पहले अभाव था अभी घट दिखता है। स्वतंत्र अभावती भूतले घट दिखता है, देखो पूर्वम स्वभावती भूतले, सब से घट ले लो, घट अभावती भूतले, पहले घट का अभाव था भूतले में, संभव है? वहाँ फिर घट को लाकर असत है। पश्चात आनी तो घटो, पश्चात आनी तो घट वहाँ दिखेगा भाती थी। क्या हुआ? घट में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अध्यत्व का लक्षण कहाँ चला गया? घट घट पहले नहीं था, अभी ला कर रख दिया तो मिथ्या हो जाएगा, तो ला कर रख दिया। अतिव्याप्ति निराशाय स्वसंसृज्यमान थी पदम, स्वसंसृज्यमान, स्वसंसृज्यमान में अत्यंत अभाव होना चाहिए, अर्थात अत्यंत अभाव और स्वसंसर्ग दोनों एक समय होना चाहिए। पहले अत्यंत अभाव था, अभी संसर्ज है, वो नहीं होगा। देखो दिखा दिया, आगे दे दिया। तेन स्वभाव काले प्रत्योगी संसर्ग से विद्यमानता उच्यते। प्रत्योगी का संसर्ग कब होना चाहिए? अभाव काले, जिस समय अभाव उस समय प्रत्योगी रहना चाहिए। अभी अभाव था घट का अभाव है, उस समय प्रत्योगी घट है। घट अभाव का प्रत्योगी क्या है? घट। अभाव काल में घट संसर्ग है? अभाव काल में नहीं, अभी है। देखो क्या हुआ? स्वभाव काले, स्वभाव काले प्रति संसर्ग है, विद्यमान है प्रति। अभाव काल में होता तो अध्यत्व होता। स्वभाव काले प्रति संसर्ग से विद्यमानता उच्यते। विद्यमानता किसमें? स्वसंसृज्यमान जो कहा, स्वसंसृज्यमान अत्यंत अभावती। अभाव काल में प्रत्योगी संसर्ग हो तो वह अध्यस्त होगा, उच्यते। घट में अतिव्याप्ति नहीं है, नहीं तो क्या होता? स्वसंसृज्यमान नहीं कहेंगे तो स्वभावती अभाष्यत्वम, स्वभावती भूतल में घट अभावती भूतले, घट अभाव है भूतल में, घट दिखता है, स्वभावती भूतले घट से अभाष्यत्वम है, ये मिथ्या अध्यस्त का लक्षण चला जाएगा। कैसे वारण करेंगे? स्वसंसृज्यमान अत्यंत अभावती, अत्यंत अभाव काल में संसर्ग होना चाहिए। जिस समय संसर्ग उस समय अत्यंत अभाव नहीं, जिस समय अत्यंत अभाव था उस समय संसर्ग नहीं था, ये तो वो अतिव्याप्ति नहीं। गंध पृथ्वी में है भूत्वावच्छेदन, पृथ्वी तो आवच्छेदन, सर्वत्र पृथ्वी में गंध है, गंध में अतिव्याप्ति है नहीं। भूत्वावच्छेदन अभाष्य गंध का भान होता है, पृथ्वी तो अवच्छेदन, जहाँ जहाँ पृथ्वी तो है जितने पृथ्वी सर्वत्र गंध है। गंध होने से क्या हुआ? भूत्वावच्छेदन एक अवच्छेदन, एक ही क्या है? भूत्व पृथ्वीत्व, सारे पृथ्वी में पृथ्वीत्व है। भूत्वावच्छेदन क्या गंध का भान होता है, अवभाष्य, अभाष्य कौन गंध, अभाष्य का गंध। देखो भूत्वावच्छेदन अभाष्य गंध है, अभाष्य गंध में अत्यंत अतिव्याप्ति। स्वावच्छेदन एकावच्छेदन अभाष्यत्व इतने लक्षण करेंगे, क्या लक्षण करेंगे? एकावच्छेदन अभाष्यत्व, स्वात्यंत अभावती को छोड़ दो, बड़ा क्यों करना, क्या कहेंगे? एकावच्छेदन अभाष्यत्व। भूत्व एक अवच्छेद कहे, एकावच्छेदन पृथ्वी में गंध का भान होता है तो गंध मिथ्या हो जाएगी, गंध में अतिव्याप्ति अध्यस्तता लक्षण चल जाएगा। अतिव्याप्ति वर्णाय स्व अत्यंता भावती पदम,
पृथ्वी में गंध है, गंध का अभाव है, गंध वाले में गंध दिखा तो अद्यत कैसे होगा, गंध अभाव वाले में गंध दिखा तो अद्यत होगा, इससे स्वात्यंत अभाव होती द्यापद स्वात्यंत अभाव होती, यदि गंध प्रतीत होता है तो अद्यत होगा। रूप अभाव होती वायु में यदि रूप दिखेगा रूप अध्यत होगा, और पृथ्वी में रूप दिखेगा तो अध्यत है, हाँ तो रूप है ही। अभी लक्षण क्या हो गया, स्वसंसृज एक अवच्छेद न स्वसंसृज्य माने स्वात्यंत अभावति अभाष्यत्वम यह अद्यत हुआ। सुक्ति में रजत दिखता है, दिखता है वहाँ लक्षण जाना चाहिए, लक्ष्य है ना सुक्त रजत, उसे लक्षण जाएगा वहाँ सुक्तो सुत में भान होता है, इदम रजतम क्या भान होता है, इदम रजतम वहाँ इदम तो है, इदम तो अवच्छेद न रजत संसर्ग काले, रजत का संसर्ग वहाँ रजत दिखता है आरोपित रजत, इदम रजतम इदम तो अवच्छेद न रजत है वो आरोपित रजत है, इदम तो अवच्छेद न रजत संसर्ग काल में, इदम रजतम जब सुक्ति में ज्ञान होता है उस समय रजत है या नहीं, इदम रजत प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है रजत नहीं, रजत का अभाव है तो जहाँ रजत का अभाव होता है इदम तो अवश्य देना आगे क्या कहेंगे, यम रज्जु इदम तो है, यम रज्जु में इदम तो है, तो इदम तो अवश्य देना रजत का अत्यंत अभाव है सुक्ति में है, वहाँ रजत दिखता है ब्रह्म काल दिखता है। देखो दिया सुक्तौ इदं तो अवच्छेदन रजत संसर्ग काले, रजत का संसर्ग है दिखता है, कैसा संसर्ग अध्यत आध्यासिक संसर्ग रजत दिखता है, इदम रजतम इदम के साथ रजत का तादात्म्य दिखता है, रजत संसर्ग काले अत्यंत अभाव अस्ति, रजत का अत्यंत अभाव है, रजत दिखता है अध्यस्त रजत है संसर्ग हो गया, अध्यस्त रजत का संसर्ग आध्यात्मिक संबंध उसी समय अत्यंत अभाव रजत जब दिखता है इदम रजतम उस समय रजत का अत्यंत अभाव है, उनसे क्या हुआ एक अवच्छेद न, एक अवच्छेद कौन हुआ इदम तो स्वसंसृज्य माने रजत संसर्ग काल में उसी समय रजत का अत्यंत अभाव है तो होने से वहाँ लक्षण गया स्वसंसृज्य माने स्वात्यंत अभावती अभाष्यतम अभाष्यते रजतम अभाष्य होता है, इसलिए लक्षण उसमें गया जाने से क्या पति न अव्याप्ति, अव्याप्ति नहीं नहीं जाता तो क्या होता अव्याप्ति होती। क्या ठीक हुआ किसमें अव्याप्ति नहीं हुई रजत में कहाँ सूतो ज्ञान कैसे होता है इदम रजतम, इदम रजत तो कहेंगे आगे क्या कहें इयम सुक्ति इदम तो अवच्छेद न रजत का संसर्ग वहाँ है इदम रजतम, इदम रजत का तादात्म्य दिखता है, तादात्म्य तो वास्तव नहीं आध्यात्मिक है आरोपित है तो संसृज्य माने स्वपथ रजत, रजत संसृज्य माने इदम तो अवच्छेद न अत्यंत भावती रजत का अभाव वहाँ है सुक्ति में रजत का अभाव है स्वात्यंत अभावती एक अवच्छेद न एक इदम तो अवच्छेद न स्वात्यंत अभावती अभाष्यते रजतम स्वसंसृज्य मान इदम रजत करे संसर्ग दिखता है किंतु वस्तुतः वहाँ रजत का अभाव है इसलिए रजत है अध्यस्त, रजत अध्यस्त सुक्ति में रजत ज्ञान जो होता है तो अध्यात्म का क्या लक्षण करें उसमें जाना चाहिए, लक्षण जाएगा तो क्या दोष है नहीं जाए तो क्या दोष होता अभी अव्याप्ति है नहीं न अव्याप्ति। अभी कहते हैं ये जो लक्षण है किया घटा दिया था किंतु रजत का संसर्ग कैसे होगा सुक्ति में, रजत का संसर्ग कैसे होगा ननवास्य लक्षण से असंभव, ये लक्षण का असंभव है क्योंकि जो लक्ष्य है अध्यात्म वहाँ लक्षण नहीं जाएगा,
सत्य रजत में तो लक्षण जाना इष्ट नहीं, अरे मिथ्या रजत में लक्षण नहीं गया तो लक्षण कहाँ जाएगा, असंभव हो जाएगा। लक्ष्य मात्रा वृत्ति तो हम किसी में लक्ष्य में कहीं नहीं जाए तो असंभव हो जाएगा। असंभव कैसे, जहाँ रजत है ही नहीं रजत का संसार कैसे होगा, रजत की सामग्री वहाँ आया नहीं, सामग्री नहीं तो उत्पत्ति होगी रजत की, सामग्री हो तो रजत बन जाएगा। सामग्री है क्या श्रुति में, श्रुतो रजतस्य सामग्री अभावेन, जब उसका कारण सामग्री है ही नहीं तो रजत का संसर्ग श्रुति में है, संसर्ग अभाव है, रजत का संसर्ग संबंध है ही नहीं, संबंध नहीं क्यों, संबंध क्यों नहीं, उसकी सामग्री नहीं तो रजत नहीं तो संबंध ही नहीं, ये पूर्व शंका करते हैं लक्षण असंभव। इसके ऊपर फिर सिद्धांति की तरफ से उत्तर देंगे तो पूर्व पक्ष इसका निराकरण करता है, स्मर्यमाण सत्यरजतस्यैव परत्र श्रुत्व अभाष्यत्वेन अध्यतत उत्ते इति वाच्य। कई स्मर्यमाण सत्यरजत, सत्यरजत कभी पहले देखा है, देखा होगा, उसका स्मरण हो सकता है, स्मरण का विषय कौन हुआ, स्मर्यते, किम स्मर्यते, तो स्मर्यमाण हो गया, स्मर्यते इति स्मर्यमाण कर्म निशाना से, स्मर्यमाणम किम स्मर्यमाण सत्यरजत, स्मर्यमाण सत्यरजत सेव परत्र, परत्र सुक्तो सामने सुक्ति है, सत्यरजत पहले देखा था अभी स्मरण कर रहे, स्मर्यमाण किम सत्यरजतम वहाँ दिखता है, स्मर्यमाण से परत्र अभाष्य, परत्र को सुक्तो, परत्र का था सुक्तो अवभाष्यत्वेन अध्यतौति, अभी स्मर्यमाण रजत का यहाँ आवास होता है, इति न वाच्यम ऐसा नहीं कह सकते, पूर्व पक्षी कहता है ठीक नहीं, ये तो अन्यथा ख्याति वाले कहेंगे, अन्यथा ख्याति न्याय मत के अनुसार कहेंगे, श्रुति में हटस्थ रजत दिखता है, श्रुति सामने है, हट में बाजार दुकान में रजत है, वो रजत तत्व तो प्रकार श्रुति दिखती है, उसको अन्यथा अन्य प्रकार ज्ञान, वेदांति मत में ऐसा नहीं मानते, वहाँ एक रजत उत्पन्न होता है बताएंगे, अनिर्वचन रजत मानते, यदि अन्यत्र जो था रजत उसका स्मरण करके यहाँ दिखता मानेंगे तो क्या आपत्ति, अन्यथा ख्याति प्रसंग, अन्यथा ख्याति मालूम श्लोक है कितने प्रकार ख्याति, आत्मख्याति सत्ख्याति रख्याति ख्याति अन्यथा तथा निर्वचन ख्याति इत्येतद, पहले क्या है आत्मख्याति, आत्मख्याति है बुद्धि का ही ज्ञान होता है, आत्मबुद्धि लेंगे उसका ही ज्ञान होता है, बाहर जो दिखता है आत्मा न ज्ञान से ख्याति, और एक है असत, असत का ख्याति शून्यवत है, और अख्याति है प्रभाक्रमत, ब्रह्म ज्ञान नहीं मानता है, और ख्याति अन्यथा, अन्यथा ख्याति न्याय मत में, और मीमांसक कुमार भट्ट मत है, और वेदांत में अनिर्वचन ख्याति पांच प्रकार है, वह जो सूक्ति में रजत है वो अनिर्वचनीय है, न्याय मत के अनुसार अन्यथा ख्याति प्रसंग हो जाएगा, इसलिए स्मृति नहीं है, स्मर्यमाण रजत नहीं, स्मृति रूप दिया, स्मर्यमाण रजत नहीं दिखता है, स्मर्यमाण रजत नहीं किंतु स्मृति रूप, रक्षण में दिया स्मृति रूप, स्मृति रूप दिया है, उस स्मृति रूप कौन से कैसे होगा समाधान आगे है, स्मृति रूप का अर्थ करेंगे, स्मृते रूपमिव पर स्मृति, स्मर्यते इति स्मृति करेंगे, कर्मणि त्रियांक तीन होगा उसका अर्थ करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः।